हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं गाइस, जिसकी हेल्प से आपकी इमेज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए गाइस, ये अपने पास एक इमेज है। जब भी हम इमेज के ऊपर बॉक्स शेडो लगाते थे तो वो हमारी शेडो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती थी। लेकिन मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से हमारी जो इमेज पे शेडो है वो एकदम परफेक्टली दिखाई देने वाली है, कुछ इस तरीके से। सो गाइज, ये शेडो बनाने के लिए चलिए चलते हैं अपने एडिटर के अंदर। सो गाइज, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा HTML का फॉर्मेट बनाया हुआ है और साथ में जो अपनी इमेज है उस इमेज को भी मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। अब इस इमेज को हमें स्टाइल करना है, तो स्टाइल करने के लिए आते हैं हम CSS के अंदर। और यहाँ पे देखिए, मैं लिखूंगा सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर्टी फिल्टर, और इस फिल्टर के ऊपर मैं सेट करने वाला हूँ यहाँ पे ड्रॉप शेडो। तो देखिए, ड्रॉप शेडो के अंदर हमें दो वैल्यू देनी होती है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो देखिए, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल एंड 5 पिक्सल वर्टिकल। देन यहाँ पे मैं इसका ब्लर सेट करने वाला हूँ 10 पिक्सल का, और साथ में इसका जो कलर है उसको हम सेट कर देंगे रेड। चलिए अब इस प्रॉपर्टी को करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए गाइस, जो अपनी शेडो है वो एकदम इमेज के ऊपर परफेक्टली हमें दिखाई दे रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।